देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर मान लेते हैं, और ये होलो सिलेंडर भी कैसा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है। आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितनी आएगी, 2k। बिल्कुल सेम रहेगा, तुम करके देख लेना ना। आउटसाइड वाले पॉइंट पे जब भी तुम्हें आउटसाइड निकालना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी एट आउटसाइड वाले पॉइंट पे हो जाएगी 2k λr, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या आएगी, जब इनसाइड वाले पॉइंट पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस कैसा आएगा तुम्हारा, ऐसे अंदर मानोगे, मान लो इस पीसी पी पॉइंट पे निकालना है तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया अंदर, क्योंकि चार्ज तो पूरा बाहर है, अरे चार्ज तो पूरे आउटर सरफेस पे है ना, तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। सीधा देखो कोई डाउट है क्या, अगर आउटसाइड वाले में डाउट आ रहा है करके देख लेना। यहाँ पे लैम्डा क्या माना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि इस सिलेंडर की इतनी लेंथ में इतना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो इनसाइड जीरो रहेगी, आउटसाइड क्या रहेगी, 2k λr। याद रखना इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं होगा तो बदल जाएंगी चीज़ें। देखो जल्दी से, नहीं आया समझ में सॉल्व करना, घर पे जाके पूरा सॉल्व करना। आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, कैसे चल जाएगा बताओ। बिल्कुल सही बात है, सही है, क्यू जीरो वाली बात सही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो गई, क्यू जीरो होना तो मतलब फ्लक्स जीरो होना है, फ्लक्स जीरो रहेगा। अरे यहाँ वहाँ पे तुम बताए सिमेट्री बोल ही नहीं पाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आड़ा तेड़ा से किसी भी डायरेक्शन में आ रही होगी, पहले तुम गॉस लॉ लगा ही नहीं पाओगे पहली बात तो, और जीरो होगी भी नहीं, और मान लो लगा दो, कंप्यूटर सिमुलेट करके तुम लगा दो तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा आंसर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी।